डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो हमारा प्रोसीजर ये है। सो जो हमारा फिफ्थ स्टेप है प्रोसीजर का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिक सॉल्यूशन पे एग्जांपल की थी, आज हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे एग्जांपल करेंगे और उसको समझेंगे। बस आपको कंडीशन याद रखनी है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये दोनों सेम है लेकिन ये लेस होंगे किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, दिस इज लेस साइन। सो एग्जांपल करते हैं अब। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस ये गिवन है। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले, आपको पता है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए हमारे पास क्या है, इन वेरिएबल्स के जो कॉफिशेंट है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x का कॉफिशेंट 4 है, 4 लिख लिया। y का -8 लिख लिया। z का 3 लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन देखिए, x का कॉफिशेंट -1 है, -1 लिख लिया। देन 2 -5। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन 3 -6 एंड 1 3 माइनस। सो ए हमारे पास ये है, x क्या होगा, कॉलम में हम एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है वो लिखेंगे, इक्वल्स टू जो हमारे पास राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी कॉलम में लिखना है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करना है ए और बी को कंबाइन करके। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हमारे पास क्या गया, ये इसको डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। इतना पोर्शन हमारा ए है और ये हमारे पास बी है, तो इसको हमने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचलॉन फॉर्म हमको पता है क्या करना है प्रोसीजर। सबसे पहले क्या है, हर एक रो का लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, जैसे इस रो में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये है, इसको वन में करना है। तो इसको वन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का पोर्शन भूल जाइए, इसको वन बनाने के लिए आप इनकी हेल्प लो जो इसके नीचे एलिमेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई वन हुआ, आप डायरेक्ट रो ऑपरेशन से उसको इंटरचेंज कर सकते हैं रोज को। अगर वन नहीं है, क्या कोई और ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल ऑफ समथिंग करके, या फिर अगर नहीं लग रहा डायरेक्टली 1/4 आर वन कीजिए, ये वन बन जाएगा। सो इसको वन बनाने के लिए एक तरीका क्या है, आर वन माइनस आर थ्री कर दूँ, 4-3 यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। तो एक आइडिया ये बनता है, आप इस आइडिया से कीजिए, मैं इसमें कोई और आइडिया से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक से ज़्यादा आइडियाज हो सकते हैं, मोटिव हमारा पर एक ही है जो कि इसको वन बनाना है, ठीक है। सो मैं इस पे क्या करूँगा, मुझे ये -1 दिख रहा है, मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑपरेशन आर वन को इंटरचेंज कर दूंगा आर टू से। सो रो वन रो टू बन जाएगी, रो टू रो वन, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको वन बनाना है क्योंकि हमें पता है एचलॉन फॉर्म में फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हर एक रो में वन होना चाहिए। सो क्या करूँगा, मैं रो वन पे ऑपरेशन लगा दूंगा -1 रो 1, इससे क्या होगा, ये वन बन जाएगा। सो सभी रो पे ऑपरेशन लगेगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो देखते हैं अब। सो -1 रो 1 ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया, -1 प्लस 1 बन गया, +2 -2 बन जाएगा ऑब्वियसली, -5 प्लस 5 -21 प्लस 21। तो क्या ये एचलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए, फर्स्ट नंबर हर एक रो में वन होना चाहिए जो कि ये वन है, देन सेकेंड रो में फर्स्ट नंबर जो कि लीडिंग एलिमेंट है वो भी वन होना चाहिए, लेकिन ये 4 है और ये लीडिंग एलिमेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, जो भी इसके नीचे होंगे एलिमेंट्स इनको जीरो कर देंगे इस वन की हेल्प से। कैसे, R2-4R1 R3-3R1, ये ऑपरेशन लगा के, क्योंकि ये एचलॉन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसलिए R2 पे R2-4R1 and R3 पे R3-3R1। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, ये 0-0 बन गए ना। क्या ये मैट्रिक्स एचलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट हर एक रो का वन होना चाहिए,
सो ये वन है। सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट ढूंढिए जो कि नॉन जीरो नंबर है, ये -17 है, तो इसको हमें वन बनाना है। और लीडिंग एलिमेंट हमेशा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो ये राइट हैंड साइड पे है। इमीडिएट ना हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए इसके। तो ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे इस पे, इसको वन बनाने के लिए? आप इसको वन बना सकते हैं इसकी हेल्प से, नहीं, क्योंकि अगर इसकी हेल्प लेंगे प्लस माइनस तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो हमेशा इसको वन बनाना है यूजिंग जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे। क्या इसको वन बना सकते हैं इसकी हेल्प से? अगर बना सकते हैं ठीक है, कोई रो ऑपरेशन लगा के, नहीं तो क्या कीजिए, आर टू को ऑपरेट कर दीजिए, -1/17 आर टू, इससे क्या होगा, ये वन बन जाएगा। सो जो हमारे पास मैट्रिक्स आया, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या ये एचलॉन फॉर्म में है? फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए हर एक रो में, इस रो में वन है, गुड। सेकेंड रो में लीडिंग एलिमेंट ढूंढिए, वन है, और ये इसके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, गुड। थर्ड रो में चेक कीजिए लीडिंग एलिमेंट, ये -14 है, क्या इसके राइट साइड पे है? नहीं। सो क्या करेंगे, जो ये हमारा लीडिंग एलिमेंट है इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको जीरो बना देंगे यूजिंग दिस वन। तो सिंपल रो ऑपरेशन लगा लीजिए, क्या लगेगा, R3 +14 R2, तभी ये जीरो बनेगा ना, इसको जीरो बनाना है, -14 +14 R2, ये जीरो बन जाएगा। सो हमारे पास मैट्रिक्स ये आया। इतना तो क्लियर है ना, जो R3 पे लगाएंगे ऑब्वियसली सभी R3 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, सिर्फ यही नहीं चेंज होगा। सो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। क्या ये एचलॉन फॉर्म में, चेक कीजिए, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हर एक रो में वन होना चाहिए, वन है, इसका वन है, और ये इसके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे है। देन नेक्स्ट लीडिंग एलिमेंट देखिए, तो कोई नहीं है, जीरो रो है, कोई बात नहीं, जीरो रो हमेशा, हमें पता है एचलॉन फॉर्म में अगर हो तो हमेशा बॉटम पे हो। सो दिस मैट्रिक्स इज इन एचलॉन फॉर्म, एचलॉन फॉर्म में आ गया तो हमारा काम हो गया। बस क्या करना है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये पोर्शन बी है, ये चीज क्लियर है, इसको भूल जाइए, ए का रैंक फाइंड आउट कीजिए। रैंक क्या होता है एचलॉन फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलॉन फॉर्म, वन टू, थर्ड रो तो जीरो जीरो रो है ना, उसको नहीं गिनना, नंबर ऑफ नॉन जीरो बोल रहा हूं मैं, वन एंड टू। सो रैंक ऑफ ए ऑब्वियसली टू है, देन रैंक ऑफ ए बी, पूरा मैट्रिक्स देना है, देखना है अब जो ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है, पूरा देखेंगे, रैंक ऑफ ए बी आ जाएगा। वो क्या है इसका रैंक, एक जीरो रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, टू। सो ये किसकी इक्वल है, रैंक ऑफ ए के, ए का भी रैंक टू है और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक टू है। सो इतना तो क्लियर है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब कंसिस्टेंट में भी टू हमारे पास इक्वेशंस बनती है, या तो यूनिक या फिर इन्फाइनाइट मैनी। यूनिक में क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यही होता है। अब इसमें वेरिएबल्स कितने चेक कीजिए, थ्री, तो रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, थ्री क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आई वो क्या आई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो उनका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो मैं ये तो पता लग गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, जो एचलॉन फॉर्म आई है हमारे पास उसकी हेल्प ही लेंगे, और तो कोई नहीं है। लास्ट रो से हमें स्टार्ट करना है, ये जीरो रो है ठीक है, इसको भूल जाइए। देन सेकेंड रो चेक कीजिए, जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी हमारे पास, 0x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें पता है ए एक्स
इक्वल्स टू बी, और बी हमारे पास ये है, ठीक है। सो सेकंड रो में क्या बनेगी, 0x प्लस 0y प्लस जेड इक्वल्स टू 4। सो डायरेक्टली जेड इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारे पास। देन सेकंड के बाद फर्स्ट पे आइए, क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 21। तो अगर आप ध्यान दें, इस इक्वेशन में हमें सिर्फ z की वैल्यू पता है, x और y की नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, या तो x को k मान लेंगे या y को k मान लेंगे। k क्या है, एनी नंबर, ये चीज क्लियर है इतनी। या तो x को मान लो या y को मान लो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो किसी को तो एक की फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हम y को k मान लेंगे। तो क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 2k प्लस 5, z हमें पता है z की वैल्यू 4। देन सोल्व कर लीजिए, x माइनस 2k प्लस 20 इक्वल्स टू 21, ये इस तरफ चला जाएगा, 821 माइनस 21 आ जाएगा। सो x माइनस 2k 1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 प्लस 2k। तुम्हारे पास आ गए सभी, x आ गया, y हमें पता k है एंड z 4 है। वेयर k इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, क्लियर है ये चीज, k इज एनी नंबर। डियर फ्रेंड्स, एक्स हमारे पास 1 प्लस 2 के आया, वाई के आया, जेड 4 आया, इसमें कोई डाउट है नहीं। देन हम क्या बोल रहे हैं, के इज एनी नंबर, के 1 पुट कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4, सो ऑन। जब आप 1 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 3। वाई क्या है, के, यानी 1 ही है। जेड क्या है, 4। सो एक सेट ऑफ सोल्यूशन ये आया उन लीनियर इक्वेशंस का, के को 2 पुट किया, एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 1 प्लस 4 5, के 2 ही है, देन जेड तो 4 रहने वाला ही है। तो एक सोल्यूशन क्या गया ये। सो देर आर इन्फिनेट नंबर ऑफ सोल्यूशन, सो ऑन। के 3 पुट कीजिए, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड, और ये सेट ऑफ सोल्यूशन जब आप इन लीनियर इक्वेशन में भरोगे, सभी में सेटिस्फाई होगा। सिर्फ ऐसा नहीं, इसी में सेटिस्फाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में सेटिस्फाई होगा। अब भर के दीजिए एक्स वाई जेड, ये वाला सेट ऑफ सॉल्यूशन, देन ये वाला सेट ऑफ सॉल्यूशन। सो इसलिए हम इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर, हमारा यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि इसको क्यों बोल रहे हैं इन्फाइनाइट मैनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।